अलैक्म स्टूडेंट्स मैं आप लोगों का लेक्चरर कंप्यूटर साइंस सईद मोहम्मद इमरान आज के लेक्चर में आप लोगों को खुश मदीद कहता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेटवर्क टपोलॉजीज़ पर है नेटवर्क टपोलोजीज़ के हवाले से हमने आज स्टडी करना है कि के, कंप्यूटर में जो नेटवर्क है उसमें हम किस वे से सिस्टम्स के कम्यूनिकेशनस करते हैं सिस्टम की अरेंजमेंट किस तरह से होती है ताकि वो सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए तो आज के इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे नेटवर्क टेपोलॉजीज जो है वो कम्प्यूटर्स की या नेट कम्प्यूटर डिवाइसिस की एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए ठीक है ना हमारे पास इसको हम नेटवर्क uh, टेपोलॉजीज कहते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म की नेटवर्क टेपोलॉजीज होती हैं जिसमें है पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी, बस टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी रिंग टॉपोलॉजी मेश्ड टॉपोलॉजी ट्रे टॉपोलॉजी और डेजी टॉपोलॉजी और लास्ट में है हाइब्रिड टॉपोलॉजी ये आठ मुख्तलिफ किस्म की नेटवर्क टेपोलोजीज हैं हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि ये चीजें ये टेपोलॉजी क्या होती हैं और कैसे इनकी अरेन्जमेंट होती है पहले नंबर पे है पॉइंट टू पॉइंट टेपोलॉजी जैसे कि नाम से जाहिर है कि दो सिस्टम आपस में पॉइंट टू पॉइंट से कनेक्टेड होंगे तो इस इस तरह की अरेंजमेंट को है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है ये दोनों सिस्टम है इन सिस्टम्स को होस्ट कहा जाता है एक होस्ट ये है और एक होस्ट ये है ये होस्ट एक दूसरे के साथ आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं दरम्यान में कोई स्विच या राउटर या कोई सर्वर या कोई भी ऐसी डिवाइस कनेक्टेड हो सकती है जो इन दोनों सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने का सबब बन सकती है या सिंगल एक वायर भी कह सकते हैं जिसकी मदद से ये दोनों सिस्टम जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते होंगे और इन दोनों की सेंडिंग और रिसीविंग बिल्कुल सेम होगी ये सिस्टम इसको सेंड करेगा और इस सिस्टम से रिसीव भी कर पाएगा और सेम इस सिस्टम के लिए ये सिस्टम भी डेटा सेंड कर पाएगा और रिसीव कर पाएगा इट मींस यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मूड है वो सिम्प्लेक्स मूड नहीं है हाफ डुप्लेक्स मूड नहीं है फुल डुप्लेक्स मूड है मतलब सेंडिंग और रिसीविंग एट अ टाइम की जा सकती है नेक्स्ट हमारे पास है बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी जिस तरह से बस में सीट्स की अरेंजमेंट होती है उसी तरह से इस नेटवर्क में सिस्टम की अरेंजमेंट भी होगी मींस एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड होगा दूसरा सिस्टम ये है तीसरा चौथा सिस्टम ये है और ये भी आपस में ऐसे ही कनेक्टेड होगा درمیان में एक लाइंस आ रही है ये लाइन एक वायर है और ये वायर जो है तमाम सिस्टम्स में कम्युनिकेशन का या नेटवर्क का बास बनती है इसके साथ इस वायर के साथ तमाम सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड होंगे ये यह यहाँ पर पांच सिस्टम नज़र आ रहे हैं मल्टीपल सिस्टम्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं तो, हजारों की तादाद में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इस बस वायर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं ये एंड पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये एंडिंग पॉइंट है इसके बाद आगे सिस्टम हम चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं इस वायर के साथ अदरवाइज यहाँ पर हम एंड कर देते हैं और इस कनेक्टर जैसे कि अब ये इसको टर्मिनेटर पॉइंट कहा गया ये भी टर्मिनेटर पॉइंट है ये भी टर्मिनेटर पॉइंट है अगर हम इसको टर्मिनेटर पॉइंट कहते हैं तो ये पॉइंट जो है हमारे उस आ, किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहें तो उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अदरवाइज ये तमाम सिस्टम जो है आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे बाकी ये डिटेल्स आप हैं इसको आप रीड आउट कर सकते हैं मजीद जो डिटेल्स बताई गई है अगर इस वायर में कहीं पर भी अगर कोई कट uh, ऑफ हो जाता है या कोई वायर फेलियर आ जाती है तो ये कम्युनिकेशन जो है ये आपस में डिसकोनेक्ट हो जाएगी मीन्स जिस पॉइंट पर जहाँ पे मेरा कि एरो साइन आपको मैं आइडेंटिफाई करा रहा हूँ यहाँ पर अगर कोई ब्रेकेज आ जा जाता है तो इसके बाद के सिस्टम आपस में जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इन सिस्टम्स के साथ ठीक हो गया ये एक यहाँ पे एक जो है ड्रॉबैक है इसका अदरवाइज़ ये सिस्टम जो है आपस आप में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी जिस तरह से इमेज में आपको नज़र आ रहा है और इनकी अरेंजमेंट भी स्टार की तरह से होती है इस वजह से इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है <coughs> और दरमियान में एक नेटवर्क डिवाइस कह सकते हैं एक सर्वर डिवाइस कह सकते हैं राउटर स्विच कुछ भी कहा जा सकता है या सिंपल एक हब भी कह सकते हैं ये हब जो है मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक नॉर्मल और सिंपल जो कम्युनिकेशन का की अरेंजमेंट है मेथोडोलॉजी है वो स्टार्ट अपॉलोजी है नॉर्मली हब के थ्रू सिस्टम आपस में कनेक्टेड जो होंगे वो एक स्टार्ट अपॉलोजी की सूरत हाल में कनेक्टेड होंगे हम ये तमाम जो सिस्टम है ये हब के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में एक दूसरे के साथ की अरेंजमेंट में कनेक्ट होंगे Spot, जो स्टार्ट अपॉलोजी है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि एक सिंपल एक इकोनॉमिकल हब के साथ कनेक्टेड होती हैं डिवाइस तो इस वजह से इसमें केबल्स uh, की जरूरत पड़ती है और एक हब सेंटर में जो है वो कॉन्फ़िगर किया जाता है तो ये सिंपल एक कम्युनिकेशन uh, की अरेंजमेंट कहलाती है हब जो है अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं जिन लेवल्स पर जो नेटवर्क डिवाइसेस यूज होती हैं हब जो है हब या रिपीटर रिपीटर्स आप लोग नेटवर्क डिवाइसेस में पढ़ चुके होंगे तो रिपीटर और हब जो है वो लेवल वन की डिवाइस है लेवल वन के ऊपर जो है हब और रिपीटर यूज होता है लेवल टू इसे हायर लेवल है, वहां पर स्विच और ब्रिज यूज किया जा सकता है इन दोनों डिवाइस 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 में से जिस की जरूरत पड़ेगी नेटवर्क वो यूज की जा सकती है उससे हायर जो है वो है लेयर थ्री उस लेयर थ्री के ऊपर राउटर या गेट यूज किया जाता है ठीक है बेसिक लेवल पे हब और रिपीटर यूज किया जाता किया इसके बाद है रिंग टोपोलॉजी रिंग टपोलॉजी रिंग की सूरत हाल में है इस वजह से उसको रिंग टपोलॉजी कहते हैं जिसमें तमाम सिस्टम जो एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट वे में कनेक्टेड होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टम टू है वो सिस्टम थ्री के साथ point point है, है वो सिस्टम फोर के साथ अगेन सिस्टम वन के साथ वे है उसमें कनेक्टेड होगा ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे डेटा सेंड भी कर पाएंगे रिसीव भी कर पाएंगे अगर जरूर में कोई एक सिस्टम फेलियर हो जाता है या कोई ब्रेकेज हो जाती है तो डेटा फिर एक दूसरे के साथ पूरे रिंग में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा तो ये एक इसका ड्रॉबैक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ टेपोलॉजी जो है मेस्ट टेपोलॉजी मेस्ट टपोलॉजी जो है इस टेपोलॉजी की जो अरेंजमेंट है इसमें तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं आपने देखा होगा इससे पहले जो सिस्टम जो है वो दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कनेक्टेड हैं दूसरा तीसरे के साथ है तीसरा चौथे के साथ है इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं सिस्टम आपस में कनेक्टेड है इनकी अरेंजमेंट इस अंदाज है लेकिन टोपोलॉजी जो है इसमें तमाम सिस्टम जो है ये देख रहे हैं इमेज में आपको नजर आ रहा होगा तमाम सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मीन ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है इस, ये सिस्टम इसके साथ भी कनेक्टेड है ये सिस्टम ये लास्ट वाले इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और ये सिस्टम इसके साथ भी कनेक्टेड है ऐसे ही तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि अगर दरमियान में कोई कोई का हो हो जाता है या कोई हो जाता है है या सिस्टम फेलियर सपोज ये सिस्टम जो है ये ऑफ हो जाता है तो बाकी जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो डेटा है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे इस सिस्टम फेलियर की वजह से उनकी आपस की कम्युनिकेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है तो ये सारे एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट मैनर में कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डेटा शेयर कर पाएंगे ये इसका जो है एक अचीवमेंट है इसमें बहुत ज्यादा हम सिस्टम कनेक्ट नहीं करते बहुत कम नंबर में हम सिस्टम कनेक्ट कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ डेटा कम्युनिकेट कर पाएंगे नंबर सिक्स पे है ट्री टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी है वो ट्री मैनर में होती है एक हिरारकी बनती है एक शाखों की तरह ब्रांचेस की तरह ये तरीका कार होता है अरेंजमेंट का जैसे कि अब यहाँ इमेज में आप देखें ये डायग्राम में एक कोर लेयर है यहाँ पर एक सर्वर कनेक्टेड है सर्वर के नीचे जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है मतलब कि सर्वर से जो आगे है एक डिवाइस लगी हुई है नेटवर्क डिवाइस ये नेटवर्क डिवाइस दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है लेफ्ट और राइट ये देखिए अब ये दो ब्रांचेस बन रही हैं इन ब्रांचेस से मजीद नीचे जो है लोअर लेवल के ऊपर जिसको एक्सेस लेयर कहा जाता है ये एक्सेस लेयर क्या करती है ये डेट ये सिस्टम्स यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू डेटा जो है तमाम सिस्टम्स में डिवाइड होगा कम्युनिकेट करेगा ये अरेंजमेंट जो होती है वो ट्री टेपोलॉजी कहलाती है इस ट्री टेपोलॉजी में हमारे पास मल्टीपल हम फर्दर टेपोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हैं मीन्स स्कोर लेयर सर्वर से डेटा इस डिवाइस ये डिवाइस स्विच भी कहला सकती है राउटर भी कहला सकती है इससे फर्दर ये डिवाइसेस कनेक्टेड हैं यहाँ पर हब यूज हो सकती है या यहाँ पर भी हम राउटर कह सकते हैं कि यूज कर सकते हैं इससे फर्दर सिस्टम कनेक्टेड अब ये सिस्टम कनेक्टेड है ये रिंग टेपोलॉजी भी कह सकते हैं इसको स्टार भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बस टेपोलॉजी भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम कोई ना कोई टेपोलॉजी की टाइप यूज कर सकते हैं मीन्स फिक्स नहीं है कि हम एक ही टेपोलॉजी यूज करें मतलब मीन्स ट्रे टेपोलॉजी के अंदर हम मल्टीपल टेपोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं ये नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइडेड होता है मतलब एक जो ब्रांच है वो कोई भी टेपोलॉजी यूज हो रही है दूसरी ब्रांच में कोई टेपोलॉजी यूज हो रही है ये मोस्टली जो है लोकल एरिया नेटवर्क में ये ट्री टेपोलोजी अडॉप्ट की जाती है ताकि ये डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क जो हैं हम वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं मीन्स किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर इंटरनेट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, हुई है अरेंजमेंट हुई हुई है लोकल एरिया नेटवर्क है या कहीं पर वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम ट्री टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर लैब में ऑफिस में क्लास uh, रूम्स में या एक डिपार्टमेंट में हम टोपोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं रिंग टोपोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं बस टोपोलॉजी कोई भी टोपोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं तो वो ट्री टोपोलॉजी के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि लोअर लेवल जो है <clears throat> लोअर मोस्ट लेवल जिसको एक्सेस लेवल एक्सेस लेयर लेवल कहा गया है यहाँ पर हमारे पास सिस्टम कनेक्टेड है मिडल लेवल पे हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है जहाँ पर हमारे पास जो है एक मीडिएटर uh, लेवल भी कहता है यहाँ पर इसको डिवाइस हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और जो हाइस लेवल जिसको कोर लेवल कहा गया है या रूट भी कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है ये तमाम कम्युनिकेशन वे का तो यहाँ पर भी एक नोड है जिसको हम um, सर्वर या जहाँ से मेन uh, डेटा कम्युनिकेट किया करने के लिए हम एक पॉइंट बनाते हैं या हम सर्वर कह सकते हैं या इंटरनेट की सर्विस यहाँ से रिसीव होते आई एस पी कह सकते हैं कुछ भी इसका नाम रखा जा सकता है कोर लेयर का नंबर सेवन पे है हमारे पास डेजी चेन डेजी चेन एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन वे है कि एक सिंपल सिस्टम है सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम कनेक्टेड है उसके साथ तीसरा सिस्टम है चौथा ये एक बिल्कुल एक लाइन में जो है एक लीनियर फैशन में सिस्टम uh, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये डेटा इस मैनर्स में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे मीन्स फर्स्ट सिस्टम जो है वो सेकेंड सिस्टम के साथ डेटा कम्युनिकेट करेगा दूसरा तीसरे के साथ या अगर फर्स्ट सिस्टम ने तीसरे सिस्टम को डेटा भेजना है तो वो वाया सेकेंड सिस्टम या थ्रू सेकेंड नंबर सिस्टम पे डेटा शेयर करेगा अगर यहाँ पर सेकेंड सिस्टम जो है वो खराब है बंद है या ऑफ हो चुका है तो थर्ड सिस्टम को डेटा शेयर नहीं होगा तो ये इसका चेन में ये किसका है। ये एक है अगर कोई सिंगल पॉइंट भी खराब हो जाता है कोई वार यहां पे ब्रेक हो जाती है तो भी ये आगे डेटा मूव नहीं कर पाएगा तो यहां पर एक एक ड्रॉबैक है जो दरमियान वाला सिस्टम है वो एक रिले या इंटरमीडिएट सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है कि ये एक मीडियम है जिसके थ्रू डेटा फर्स्ट सिस्टम जो है थर्ड सिस्टम को भेज पाएगा ऐसे दूसरा सिस्टम जो है वो चौथे सिस्टम को डेटा अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो थर्ड सिस्टम के थ्रू पास आउट होगा अगर थर्ड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो डेटा आगे शेयर नहीं हो पाएगा तो ये एक डिसी चेन का एक ड्रॉबैक है फोर्थ नंबर एट्थ और लास्ट में जो है वो है हाइब्रिड टेपोलॉजी हाइब्रिड टेपोलॉजी है मिक्सचर है तमाम टेपोलॉजी का मीन्स हम तीन से चार या सात टपोलॉजी एक साथ यूज करना चाह रहे हैं मिक्सअप करके तो उस टेपोलॉजी को हम नाम देते हैं हाइब्रिड टपोलॉजी का मीन्स हम किसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या ऑफिसिस में डिफरेंट टेपोलॉजीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं और सबको आपस में कंबाइन कर देते हैं तो सबको जब कम्बाइन करेंगे तो वो जो टेपोलॉजी कहलाएगी वो हाइब्रिड टेपोलॉजी कहलाएगी जिस तरह से हम नेटवर्क की टाइप्स में लेंस uh, को कंबाइन करते हैं तो वो मिलकर एक वैन बनती है वाइड एरिया नेटवर्क इसी तरह से हम तमाम टाइप्स जो टोपोलॉजीज की टाइप्स हैं उसको आपस में कनेक्ट कर दें तो वो तमाम आपस में जिस मैनर से कनेक्ट होंगी उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे जैसे कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये एक स्टार टोपोलॉजी है ये दूसरी स्टार टोपोलॉजी है ये रिंग टोपोलॉजी है ये आपस में कनेक्टेड हैं डिवाइसिस के साथ नेटवर्क डिवाइसेस के साथ तो ये आपस में मिलकर क्या बनती है हाइब्रेड टेपोलॉजी इसके साथ मैं बस टेपोलॉजी अटैच कर देता हूँ रिंग टेपोलॉजी के अलावा जो है डेजी चैन है या बस टेपोलॉजी है वो ऐड कर देते हैं तो ये सारी मिलकर हाइब्रिड टेपोलॉजी कहलाएंगी हाइब्रिड टेपोलॉजी में यहां आप यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है डिटेल आप स्टडी करें इसमें बताई गई है क्लियर कि कौन कौन से इनके प्लस पॉइंट हैं कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं वाइड एर नेटवर्क के हवाले से जो है बताया हुआ है कि वाइड एर नेटवर्क मोस्टली जो है ये इस तरह की टेपोलॉजी अटॉप की जाती है या इसको रिंग टेपोलॉजी भी कहा जाता है कि इसके थ्रू इसकी मदद से डल रिंग टेपनोलॉजी जो है तो ये कनेक्टेड होती है और नेटवर्क जो है मोस्टली स्टार टपोलॉजी के साथ कनेक्टेड होगा इंटरनेट जो है वो खुद हाइब्रिड टेपोलॉजी की एग्जाम्पल है मीन हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हमारे घर में जो है वह, वो कौन सा कौन सी अरेंजमेंट है नेटवर्क की या कोई ऑफिस में इंटरनेट को यूज कर रहा है वहाँ पे कौन सी अरेंजमेंट है कोई यूनिवर्सिटी में स्कूल में यूज कर रहा है तो उसकी वहाँ पर क्या अरेंजमेंट है इंटरनेट की कोई शॉप में यूज कर इंटरनेट को तो वहाँ पे उसकी अरेंजमेंट क्या है वो इन्हीं नेटवर्क टेपोलॉजी में से कोई ना कोई अरेंजमेंट हो सकती है तो इंटरनेट जो है वो हाइब्रिड टेपोलॉजी की एक एग्जाम्पल है तो आज का टॉपिक हमारे यहीं पर था Uh, अगर इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है मजीद वीडियोस के लिए uh, मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियो uh, लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें थैंक यू सो मच